नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी डिफेंस अपडेट निकलकर सामने आ रही है जो इंडिया के लिए थोड़ा टेंशन हो सकता है। टेंशन की बात यह है दोस्तों कि रसिया अपना मिसाइल सिस्टम S-400 नेक्स्ट वीक टर्की को पहला देने जा रहा है। और आपको मैं बता दूं, टर्की इतना स्मार्ट कंट्री है कि वो चाइना का भी बाप है कॉपी करने में। चाइना से बहुत अच्छी तरीके से वो कॉपी करता है। अभी पिछले हफ्ते एक न्यूज़ अपडेट आई थी कि टर्की पाकिस्तान को 5th जनरेशन का एयर फाइटर देने के लिए ऑफ़र किया है। तो यह खबर इंडिया के लिए थोड़ी ख़राब हो सकती है कि टर्की को पहले मिल जाएगा, इंडिया को S-400 थोड़ा लेट मिलने का उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने टर्की को फुल वार्निंग दिया है कि अगर आप S-400 रसिया से लेते हो तो हम आप पर कड़े से कड़े सैंक्शंस लगा देंगे। वहीं टर्की इतना डेयरिंग क्यों कर पा रहा है जबकि वो नाटो का मेंबर है, उसके बावजूद भी इतना डेयरिंग कर पा रहा है। नाटो का मेंबर होने का मतलब कि आप रक्षा सौदा नाटो मेंबर के बीच में इजीली कर सकते हो, बट नाटो मेंबर के बाहर करने जाएंगे तो उसके लिए आपको नाटो मेंबर्स के जो रूल्स हैं रेगुलेशन से वो फॉलो करना पड़ेगा, जो कि उसका मेन हेड है अमेरिका। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि रसिया उससे आगे निकले, क्योंकि S-400 अगर टर्की ले लेता है तो अमेरिका का जो 5th जनरेशन का एयर फाइटर है या 35 उसके लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि F-35 की सारी डिटेल्स S-400 के पास चली जाएगी और उससे रसिया बहुत कुछ बना सकता है, अपने एयर डिफेंस में और इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी यही खबर है कि टर्की को S-400 मिसाइल सिस्टम नेक्स्ट वीक मिल जाएगा। इंडिया को अभी मिलने में काफ़ी समय है और डर तो यह बात का भी है कि शायद टर्की इसका डुप्लीकेट बनाकर पाकिस्तान को न दे दे, कि पाकिस्तान को अगर वो दे देता है तो डेफिनेटली है कि पाकिस्तान भी इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। अगर इंडिया का कोई भी एयर फाइटर अटैक करता है, जैसे एयर स्ट्राइक किया उसे अटैक करता है, अगर उसके पास S-400 का डुप्लीकेट होगा तो वो भी अपना एयर डिफेंस काफ़ी मजबूत कर लेगा। थैंक यू दोस्तों, यही था बहुत बड़ी अपडेट।